फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल इनसाइड स्टोरी में स्वागत है। यहाँ पर हम हमेशा नई नई चीज़ों को तोड़ते हैं, उसके अंदर देखते हैं आखिर है क्या। तो आज हम बात करने वाले हैं 1979 मॉडल कैमरा की, जिसका मैन्युफैक्चरिंग है मिनोल्टा और इसका मॉडल नेम है 460TX। तो सबसे पहले इसका ओवरव्यू देख लेते हैं हम। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके अंदर सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसके अंदर फ्लैश के लिए, अगर हम सनलाइट में फ़ोटो खींच रहे हैं तो इसके अंदर ये तो हम इस बटन को इधर कर देते थे। अगर हम क्लाउड में खींच रहे हैं तो हल्का सा इधर कर देते थे इस बटन को। और अगर हम नाइट मोड पर खींच रहे हैं, मतलब फ्लैश हमें चाहिए ये वाली फ्लैश, तो हम इस बटन को इस साइड कर देते थे जिससे फ्लैश बाहर आ जाती थी। दूसरा है इसके अंदर टेलीफोटो खींचने का और इसका नॉर्मल फ़ोटो खींचने का। नॉर्मल फ़ोटो और टेलीफोटो, नॉर्मल फ़ोटो और टेलीफोटो में क्या फ़र्क है? नॉर्मल फ़ोटो इन दस में ये फ़र्क होता है कि नॉर्मल फ़ोटो तो हम नॉर्मली हम फ़ोटो खींच देते हैं कि सामने कोई बंदा है उसका फ़ोटो खींच रहे हैं हम, और जो पास में बिल्कुल ऑब्जेक्ट है उसका हम फोटो खींच रहे हैं। बट जब हम टेलीफोटो से कर देते हैं तो टेलीफोटो का मीन्स ये हो जाता है कि हम एक वाइड एंगल कैमरा यूज़ कर रहे हैं। वाइड एंगल कैमरे का मीन्स ये है कि हम एक लैंडस्केप व्यू ले रहे हैं, एक बहुत बड़ी इमेज ले रहे हैं या फिर एक बहुत बड़े एरिया का एक फ़ोटो ले रहे हैं। टेलीफोटो के अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर एक मेन लेंस लगा होता है, ये वाला लेंस सबसे अंदर एक लेंस होता है, और उसके बाद जब हम इसको ऊपर कर देते हैं तो एक वाइड एंगल लेंस लग जाता है। तो लेंस एक कॉम्बिनेशन मिलके इसके अंदर एक ऐसा सेटअप बनाता है जिससे एक वाइड एंगल इमेज बहुत आसानी से कैप्चर हो सके। दूसरी बात, अगर हम बात करें इसके आईज की, तो ये इसका लेंस होता था जिसमें आप देखते थे इसके अंदर फ़ोटो खींचने के लिए, ये इसका रील डालने के लिए होता था इसके अंदर, ये चीज़। और ये फ्रेंड्स टूट चुका है, एक्चुअली बहुत पुराना है क्योंकि 1979 मॉडल है इसलिए टूट चुका है ये। तीसरा इसके अंदर होता था आपको इसके अंदर सेल डालने के लिए, ये यहाँ पे सेल डाल देते इस चीज़ के अंदर, तो ये फ्लैश इसकी काम कर जाती थी। ये इसका फ्लैश चेंजर था, फ्लैश चेंजर तो नहीं कह सकते बट इसका रील चेंजर कह सकते हैं। हाँ, चलिए शुरू करते हैं हम इसके अंदर आखिर है क्या देखने के लिए इस कैमरे के अंदर। देख, इसका मैं डिस्क्रिप्शन और दिखा सकता हूँ आपको, ये एक्चुअल में इसमें क्या क्या चीज़ें डल देती है एक्चुअल में, जो फिल्म टाइप थी इसके अंदर, कलर प्रिंट, कलर स्लाइड, ब्लैक एंड वाइट, ये टेलीफोटो के लिए क्या क्या चीज़ें डालती थी इसके अंदर, और नॉर्मल फ़ोटो के लिए फ्लैश रेंज क्या क्या होती थी इसके अंदर। ये फ्लैश रेंज इसकी है कलर प्रिंट और नॉर्मल फ्लैश रेंज है, तो 0.9 से 4 मीटर इसकी नॉर्मल फ्लैश रेंज थी, मतलब 3 से 13 फीट होती थी लगभग, और टेलीफोटो के लिए 1 से 3 मीटर और 3 से 10 फीट होती थी। ऐसे ही ऐसे 400 अगर आप कलर प्रिंट लगा रहे हैं इसके अंदर, तो 0.9 से 6.3 मीटर तक, इसे 3.6.3 mm मीटर तक इसकी रेंज होती थी, मतलब 3 से 20 फीट तक इसकी रेंज होती थी। ऐसे ही पूरी इसकी कॉन्फ़िगरेशन चलती थी और ये मेड इन जापान था। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है आखिर इसके अंदर। इसके अंदर एक पेंच यहाँ लगा हुआ है, दो पेंच एक्चुअल में यहाँ लगे हुए थे जो मैंने खोल दिए हैं अभी। और चलिए देखते हैं बात, और दो पेंच यहाँ लग रहे हैं इसमें, इस जगह पर। चलिए देखते हैं खोल के क्या है आखिर इसके अंदर।
इसके हैंडल एक्चुअल में निकल गया है, ये आप देख सकते हैं। देखिए इसके अंदर एक एलईडी लगी होती थी जो बताती थी कि जब एक कैमरा रेडी होने होता था, इसकी फ्लैश रेडी होती थी, ये लाइट ब्लिंक करना शुरू कर देती थी। अब हम देखते हैं इसकी ये कैसे निकलेगा। ये खुल चुका है फ्रेंड्स, इसके अंदर कुछ नहीं है। यहाँ ये लेंस लगे हुए हैं और ये इसका वाइड एंगल लेंस है जिसे हम इधर से इधर करते थे। ये शायद फिलहाल काम नहीं कर पाएगा हमसे। देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने इसको अगर नॉर्मल से इसको कर दिया है टेलीफोटो पे, देखिए फ्रेंड्स ये जो हमारा आई था जहाँ से हम देखते थे वो भी आगे पीछे इसको जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स पीछे चला गया और ये इसका आगे चला गया, दूसरा देखते हैं इसका क्या है इसके अंदर। निकलेगा कैसे आखिर देखना ही पड़ेगा कि आखिर निकलेगा कैसे, क्योंकि इसमें जो है यहाँ सर्किट्स के अलावा जो ये हमारा फंक्शन है ये इसके लिए तो सर्किट दिए हुए हैं यहाँ पे, फ्लैश के लिए सर्किट हो गए पूरे यहाँ पे, और इसके लिए यहाँ पे आईसी लगे हुए हैं, हमारे फ्लैश के लिए आईसी लगी हुई है, ये इसका लेंस लगा हुआ है और ये इसका वाइड एंगल लेंस है। और ये ऊपर नीचे चल रहा है इसका, जहाँ से हम देखते हैं इसको ये ऊपर आ गया और ये नीचे पहुंच गया। हम देखते हैं आखिर इसके अंदर है क्या। यहाँ पे पीछे पीछे लगे हुए फ्रेंड्स, और ये भी एक्चुअल में लगता है मुझे ऐसे ही हटेगा शायद। ये भी फ्रेंड्स एक्चुअल में ऐसे ही है। देखिए फ्रेंड्स ये हट चुका है, ये अपनी पोजीशन को हट चुका है और इसके अंदर अब हम देख सकते हैं कि एक बटन नियर है इसके नॉर्मल और टेलीफोटो करने के लिए। ये फंक्शनिंग था इसका मैकेनिकल जो था ये आप
जब हम इसको इस तरफ करते हैं तो ये आगे पहुंचे पहुंचाने के लिए ये होता था, ये आगे पीछे पहुंच गया, और ये अगर धीरे धीरे करके देखें इसको तो ये यहाँ पहुंच गया, ये फ्लैश अंदर बाहर करने के लिए, और इसका नाइट मोड चलाने के लिए इसमें ये फ्लैश होती थी इसके अंदर ये, और यहाँ से इसको अगर हम इसको राइट साइड में करें तो इसकी फ्लैश ऑन हो जाती थी क्योंकि स्प्रिंग मैकेनिज्म था इसके अंदर ये वाला, ये स्प्रिंग मैकेनिज्म है, और ये इसको मैंने जब बंद करता था तो सीधी हो जाती थी, और जैसे मैंने इसको सीधा करा तो कहते एक्चुअल में यहाँ पे फंक्शन हो रहा है इस जगह पे, मैंने इसको जब हम बंद करा तो ये मैकेनिज्म यहाँ आ गया, और जब मैं इसको यहाँ लेके चल रहा हूँ तो जैसे मैं इसको टच करूँगा यहाँ पे इस जगह पे, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे इसको टच किया तो ये स्प्रिंग सिस्टम छुट गया और पीछे पहुंच गई फ्लैश, ये इसका सिस्टम होता था पूरा का पूरा। अब अगर हम इसको साइड से भी खोल दें इसको, ओके छूटने का नाम ही नहीं ले रहा है तो पीछे हमारे पास ये फ्लैश आउट हो जाता है, और ये एक्चुअल में इसका कुछ मैकेनिज्म है ये इसको बाहर नहीं आने दे रहे हैं, बट मुझे लगता है ये पीछे दिक्कत कर रहा है शायद। अभी भी मैंने कर रहा है आने को, ये कुछ मैकेनिज्म है, ये मुझे लगता है स्प्रिंग दिक्कत कर रहा है इसका, क्या स्प्रिंग और वायर इसके अंदर फंस रही है, अगर मैं इसको ज़्यादा खोलूँगा तो ये और ज़्यादा इसका बंद होना मुश्किल हो जाता है, मुझे लगता है कि बिल्कुल बंद होना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मुझे इसे सही तरह से बंद करने की भी चल रहा है ये, इसलिए मुझे इसको थोड़ा सा हिसाब से करना पड़ेगा, देखते हैं क्या होता है इसके साथ कि निकल जाए भाई, निकल गया फ्रेंड्स निकल गया, ये बाहर आ चुका है, और ये मेरी फ्लैश बिल्कुल बाहर आ चुकी है, एक्चुअल में वो स्प्रिंग इसका भी गिर गया, ये स्प्रिंग था इसके अंदर, और ये मेरी फ्लैश बिल्कुल बाहर आ गई है, बट क्योंकि इसके अंदर आपका ये वायर जुड़ी हुई है अंदर रेड और ये वाइट वाली, तो इसलिए फ्लैश ये बाहर नहीं आ रही है, ये फंसी हुई है, इससे ज़्यादा तो मेरे हिसाब से नहीं खुल सकता इसके अंदर क्योंकि इसका सारा हिस्सा मैंने खोल दिया है फिलहाल, और यहाँ पे जो इसके फंक्शनिंग्स हैं ये बहुत छोटे छोटे पार्ट्स लगे हुए हैं इसके अंदर, ये स्प्रिंग सिस्टम ज़्यादातर में इसमें स्प्रिंग सिस्टम लगा हुआ है, इसको मैं इधर करूँ तो ये चीज़ ये हो जाए, इसको मैं इधर करूँ तो ये चीज़ ये हो जाए, तो इसको मैं इधर करूँ ये चीज़ हो जाए, तो फ्रेंड्स ये था इसके अंदर एक 1979 मॉडल कैमरा के अंदर रील डालने का, देखने के लिए इसके अंदर सेल डालने के लिए, ये इसका एलईडी इंडिकेटर था इसके अंदर का, और ये तो गिरा जा रहा है मेरे हाथ में से, बहुत ज़्यादा लूज़ हो गया अभी बिल्कुल, ये इसका फ्लैश, ये इसका वाइड एंगल लेंस, ये इसका आउट साइड से देखने के लिए, ये इसको नॉर्मल और टेलीफोटो करने के लिए, नॉर्मल और टेलीफोटो करने के लिए, ये इसको फ्लैश जलाने के लिए, ये इसके रात में फोटो खींचने के लिए, ये जाम हो चुका है लगता है, मुझे लगता है फ्रेंड्स क्योंकि इसका लेंस मैंने तोड़ दिया है, ये चल नहीं पा रहा है,
इसके अंदर पत्तियाँ लगी हुई हैं। अब इसके अंदर अगर मैंने कुछ ज़्यादा खोला तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, इसका ये नहीं पता चलेगा कहाँ पर है। गुड बाय फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर करें क्योंकि वह कैमरा बिल्कुल मैंने ख़त्म कर दिया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस चैनल पे हम हमेशा नई नई वीडियोस डालते रहते हैं जिसमें हम हर बार एक नई चीज़ तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, उसके अंदर देखते हैं कि है क्या। आखिर हर बार आपको नई चीज़ दिखाते हैं। थैंक्स फ्रेंड।